हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और गाइस इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक कि आपके क्वेश्चन जो भी हैं आपके एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं या फिर आपके जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं वो आपसे बनने लग जाएंगे। आज से पहले नहीं बनते थे तो टेंशन छोड़ दो और अब इस पे फोकस करो। तो बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, प्लस और मल्टीप्लाई। इन दोनों में डिफरेंस कि कहां पर हम क्या यूज करते हैं। प्लस हम कब यूज करते हैं और मल्टीप्लाई हम कब यूज करते हैं। तो गाइस देखते हैं। देखो अब क्या है इसमें, हमारा क्या है चॉइस। जब हमारा चॉइस की बात आ जाए, दो चॉइस की बात आ जाए, या ये चाहिए या हमें ये चाहिए, दो की चॉइस आ जाए तो हम उसमें प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, अब चॉइस की बात कर रहे हैं तो हमारा उसका मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये। ठीक है, या तो हम ये लेंगे या तो हम ये लेंगे, दोनों में से एक चीज लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें आ गया और, या बोलो या और बोलो, बात एक ही है। ठीक है, फिर इसी को हम यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस को हम यूनियन भी बोलते हैं। जब हमारी चॉइस की बात आती है तो या तो ये चॉइस वाली बात आ गई। ठीक है, अब एंड वाली बात आ गई हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लीकेशन, हमारे को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए हमारे को, तो इसमें कोई हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। और हमारे इसको किसके दिखाते हैं, हम इंटरसेक्शन से दिखाते हैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या पेल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, तो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, क्वेश्चन के थ्रू आपको सब समझ में आएगा कि प्लस माइनस मतलब क्या होता है हमारे पास। जो अब हमारे पास चॉइसेस होते हैं, जब हमारे पास दो चॉइस होती है तो हम उसमें प्लस लगाते हैं, या तो ये लेंगे या ये लेंगे, इसका मतलब और भी होता है, या ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, उसको हम यूनियन से लिखते हैं। और दूसरा, जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती तो हमारे पास क्या होता है, एंड लगाते हैं हम, ये भी और ये भी। और दूसरा इसको दिखाते हैं हम मल्टीप्लीकेशन से कि हम ये भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं। और फिर हमारा इसको क्या वो बोलते हैं हम, दूसरा इंटरसेक्शन भी यूज करते हैं। तो अब बिना किसी देरी के इसके आगे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो ये एग्जाम्पल क्या है, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ये क्या है, 1 2 3, ये क्या दे रखा है, यूजिंग द डिजिट। यूजिंग द डिजिट मतलब इन डिजिट को यूज करके, 1 2 3, ये तीन डिजिट दे रखी है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, मतलब टू डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं इन डिजिट का यूज करके। 1 2 3, तीन डिजिट दे रखी है और हमारे को टू डिजिट का नंबर बनाना है। मतलब कि टू डिजिट का नंबर कौन सा होता है, जैसे हम 1 से 100 की बात करें तो टू डिजिट का नंबर क्या हुआ हमारे पास, 11 12 10 13 अप टू 99, ये हमारे पास टू डिजिट का नंबर हो गया। तो हमारे को 1 2 3 तीन नंबर दे रखे हैं इसने, और ये क्या पूछ रहा है हमारे को, 1 2 3 में से हमारे को तीन डिजिट का नंबर बनाना है, दो डिजिट का नंबर बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखो, अब इसमें दो चीजें आती है हमारे पास, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन। ठीक है, नॉन रिपीटेशन के लिए कभी कभी आपको वर्ड दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा इसकी जगह, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब रिपीटेशन नहीं होगी तो डिफरेंट ही आएगा, तो इसको हम इसलिए ही क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट इसका दूसरा नाम है। ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई इसमें रिपीटेशन करूं या ना करूं या फिर क्या करूं। ठीक है, तो जब भी डिस्टिंक्ट दिखे तो हमारे को नॉन रिपीटेशन। तो अब ये देखो, अब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है, मतलब हमारे पास कितने नंबर थे, ये नंबर कितने, 1 2 3, ये तीन नंबर है हमारे पास, तीन नंबर है और रिपीटेशन अलाउड है कि मतलब ये जो नंबर हमने यहाँ पर लगाया है, ये जो नंबर हमने यहाँ पर चिपकाया है, वो नंबर हम यहाँ पर भी चिपका सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने 3 लिया है तो यहाँ पर भी हम 3 ले सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिया है तो यहाँ पर भी हम 2 ले सकते हैं, सेम डिजिट वाला नंबर भी हम बना सकते हैं। जो डिजिट हमने वहां ली थी वही डिजिट हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, तो रिपीटेशन हमारी ये अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास ये वेज होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, थ्री वेज। थ्री वेज इसके लिए है हमारे पास, तीन वेज क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3, इन तीनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास दूसरा जो हमारे पास ये प्लेस है, ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, ये वाला हमारा 10th प्लेस होता है, फिर उसके बाद हमारा 100th प्लेस होता है, फिर हमारे पास 1000 प्लेस होता है, फिर 10,000 होता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये हमारे पास यूनिट प्लेस में 1 2 3 चॉइसेस है हमारे पास, और वन ये
जी और 10th प्लेस में हमारे पास कौन सी चॉइसेस है, यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस है 1, 2, 3, फिर से हमारे पास 3 चॉइसेस है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, इसके पास आया हमारे पास 9 वेज, टोटल हमारे पास कितने आएंगे 9 वेज आएंगे। अब ये मल्टीप्लीकेशन हमने ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे को ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, यहाँ से हमने 3 लिया है, दूसरी तरफ से भी हमने 3 लिया है, दोनों में से टोटल नंबर हमारे 9 बन रहे हैं। अब हमने यहाँ से 2 लिया है तो दूसरी तरफ से भी हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो भी नंबर लिया है दोनों तरफ से ले रहे हैं, हमने यहाँ से 1 लिया है, दूसरी तरफ से 2 लिया है, तो एक हमारे पास ये हो गया, यहाँ से 2 लिया है, यहाँ से 1 लिया है, एक हमारे पास ये हो गया, तो ऐसे डिफरेंट हमारे पास 9 वेज बनेंगे। अब आ जाओ नॉन रिपीटेशन, जब हमारे पास रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा, अब हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, हमने यहाँ पर सपोज करो कि हमने 2 नंबर ले लिया, एक यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पर हम 2 नहीं ले सकते, यहाँ पर हम 2 नहीं ले सकते, हमारे पास नंबर कौन सा रह गया, 1 और 3, 1 और 3 मतलब 2 नंबर, मतलब 2 चॉइसेस है हमारे पास, 2 चॉइसेस है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास टोटल नंबर निकालने हैं हमारे को कि टोटल हमारे पास कितना आ रहा है हमारे पास इसका भी और इसका भी, तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आप समझ में आ रहा है ना आपको, कि अभी उसके बीच में हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं रह गई, अब हमारे को दोनों को लेना है, दोनों को लेना है तो हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे एंड का यूज करेंगे, 2, 3 या 6, तो हमारे पास 6 आ गया। तो नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो गए, वेज मतलब होता है तरीके, तो नंबर ऑफ तरीके हमारे कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। इसमें 6 तरीके हो गए, 6 तरीके कैसे हो गए, 6 तरीके ऐसे हो गए, हमारा रिपीटेशन वाला 1 1 जो आएगा वो खड़ जाएगा, 2 2 आएगा वो खड़ जाएगा, 3 3 आएगा वो खड़ जाएगा, तो हमारे नंबर कौन कौन से रह जाएंगे इसमें, हमारे आ जाएगा 1 2 1 3, 2 1 2 3, और फिर हमारे पास 3 1 3 2, ये सारे नंबर आ जाएंगे। और वहां पर जो आ रहे थे हमारे पास 9, वो कौन कौन से आ रहे थे, इसमें ही हमारे ऐड हो जा रहे थे, कौन से, 1 1 2 2 और 3 3, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर बन रहे थे, 9 वेज। तो आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी, वैसे भी करके दिखा दिया और हमने इसको आपको डायरेक्ट लिख करके भी दिखा दिया, बट हम आगे फर्दर जो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे करके देखेंगे तो आपका पेपर में क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसे ऐसे करके देखें। अब ये देखिए, अब ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, ये डिजिट को यूज करके हमारे को हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर हमारे बन सकते हैं, कितने 3 डिजिट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5, अब हमारे पास 5 नंबर है और 3 डिजिट नंबर हमारे को फॉर्म करना है, बनाना है, 3 डिजिट मतलब उसमें 3 हमारे को यूज करने हैं, ठीक है। और बीच में हमने क्या करा, अब हमने देखना है, देखो 3 डिजिट नंबर हमारे को करना है, अब रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन, देखो दो चीज होती है, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड है हमारे पास तो मतलब हम रिपीट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये 5 नंबर है, तो हमने 5 ही 5 में से हम इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इनमें से कोई सा भी नंबर यहाँ आ सकता है, फिर यही वाला नंबर यहाँ पर फिर से आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर हमने 2 लिया है तो यहाँ पर भी हम 2 ले सकते हैं, फिर यहाँ पर हमने 2 लिया है तो हम यहाँ पर भी 2 ले सकते हैं, मतलब रिपीटेशन सब जगह अलाउड है, तो 5 जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पर थी, वो यहाँ पर भी 5 ही है और यहाँ पर भी 5 ही है, तो टोटल हमारे 5 × 5 × 5, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे 125 हो गए, ठीक है, 125 वेज हो गए। अब हमारे पास जो दूसरा आता है, जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमारे को क्या करना है, जो हमने यहाँ पर 5 नंबर है हमारे पास, सपोज करिए कि हमारे को 5 नंबर दिए हैं, और ये हमारे पास 5 नंबर में से हमने यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया, मान लो यहाँ पर 1 आ गया, 1 आने के बाद तो हम जब दूसरी बार यूज करेंगे तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब ये जो हमने 1 यहाँ पर ले लिया वो हम 1 यहाँ पर नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या रह गई, 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए हमारे पास, कितने आए नंबर, 4 नंबर आए, तो 4 नंबर ये लिख दिया हमने। अब मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, यहाँ पर 1 लिख दिया था, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, यहाँ पर 5 लिख दिया, तो अब हमारे पास 5 भी हट गया, तो अब हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी कितनी रह गई, 2 3 4, 2 3 4 रह गए, तो 2 3 4 ये कितने नंबर है, टोटल 3 नंबर है, तो 3, तो 3 × 4 × 5 इक्वल टू 60, तो इसके 60 वेज हो गए, इसके हमारे 125 वेज हो गए। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, तो अब हम थोड़ी अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा ये कैसे हो सकता है, 0 1 2 0 1 2 दे रखा है, अब हमारे को ये डिजिट दे रखी है, इसी को डिजिट को यूज करके हमारे को बोल रहा है कि हम 2 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं। अब 2 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं तो आपको गाइज ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे को क्या है, 0 दे रखा है, अब ये 0 दे रखा है तो हमारे को पता है कि हम ऐसे 0 1 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है।
05 लिखोगे इसका मतलब क्या होगा, 5 ही होगा। 00025 लिखोगे तो इसका मतलब भी क्या होगा, 25 होगा। तो हम आगे 0 लिखे तो उसका तो कुछ बेनिफिट होता ही नहीं है। बेनिफिट नहीं होता तो आगे हम 0 लगाएं या ना लगाएं तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो हम आगे 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो आगे हम 0 नहीं लगाएंगे। तो अब आपको ये इससे समझ में आएगा, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमारे को, और रिपीटेशन हमारी अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास देखो, पीछे लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 चॉइसेस हो गई, टोटल हमारे पास 3 वेज हो गए। ठीक है, 3 वेज हो गए। अब जो हम स्टार्टिंग की बात करें, शुरू की बात करें, ये हमारी यूनिट प्लेस है, ये हमारी 10th प्लेस है। ठीक है, तो हमारे को क्या है, यहाँ पर हम 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 लिख दिया तो फिर आगे हमारा कोई सा भी नंबर होगा 1 2 में से 01 है तो इसका मतलब 1 ही होगा। तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमारे को 1 2 लगाना है, 1 2 में से। तो हमारा 2 चॉइसेस हो गए, तो 2 3 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमारे को क्या करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे को यहाँ पर हमारे को क्या लेना था, यहाँ पर हमने लिया है 0 1 2, 0 1 2 लिया, 0 1 2 लिया। तो अब इसमें क्या है हमारा, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे से। अब ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है कि हमारे को हर समय कहाँ से स्टार्ट करना है, हमारे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, और हमारे को जो गिवन कंडीशन होगी वहां से स्टार्ट करना है। ये देखो, मैंने आगे आपको, अभी तक हम उल्टा पढ़ रहे थे, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, मगर यहाँ पर इसमें देखो नॉट वाला पॉइंट लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, इन पी एंड सी ऑलवेज अटैक फ्रॉम द कंडीशन, जब भी 0 आएगा तो फिलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। 0 आया तो हमारे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 स्टार्टिंग से करनी है फिलिंग। ठीक हो, तो अब ये वाला हमारा 0 आ रहा है तो हम स्टार्टिंग से फिलिंग करेंगे, तो हम यहाँ से फिलिंग करेंगे। अब देखो, पहले वाले में हमारा शुरू में 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो हमारे पास कितने वेज रह गए, 2 रह गए, 2 रह गए। तो अब इन दोनों में से एक नंबर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर आएगा तो मान लो 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो अगली बार के लिए हमारा कितना नंबर बचा, 2 ही बचा। 2 बचा तो मतलब सिंगल नंबर बचा, हमारे पास सिंगल नंबर बचा। तो सिंगल नंबर बचने में हमारा क्या होता है, सिंगल नंबर बचने में क्या होता है, हमारी एक ही चॉइस रह जाती है, तो एक रह जाती है, तो हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पर एक चॉइस रहने के बावजूद भी मगर हमारे पास यहाँ पर 2 चॉइस इसलिए आएगी क्योंकि जो हमारे पास एक यहाँ पर, ये जो 0 है यहाँ पर हम ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मान लो 1 आ गया तो हम यहाँ पर 1 यूज नहीं कर सकते, मगर हम 0 तो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 चॉइस हैं, तो 2 ही हमारी यहाँ पर थी, 2 ही यहाँ पर थी। गाइज इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी आई होप, और फिर से मैं आपको बताता हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो हमारे पास 2, हमारे पास क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो उसमें देखो, सबसे पहले हम 0 जब भी आए तो, या कोई सा भी केस हो, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग से करनी है आपको। ठीक है, फिलिंग हमारे को स्टार्टिंग से करनी है। तो देखो, फर्स्ट पोजिशन में हमारा 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो हमारा 1 और 2 में से कुछ आएगा, 1 और 2, क्योंकि हमारे पास 3 ही तो नंबर है, तो 1 और 2 में से 2 चॉइसेस हो गई हमारे पास। अब दूसरा वाला जो आया हमारा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हमारा 2 आ चुका था, मान लो यहाँ पर 2 आ चुका था, तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, और दूसरा हमारे पास एक 0 भी तो बच रहा है यहाँ पर, यहाँ लास्ट में तो हम 0 लगाएंगे तो उसका मैटर होगा ना, तो हमारे पास एक 0 बच रहा है। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस मतलब 2, तो इसका आंसर क्या आया, 4, इसका आंसर आया हमारे पास 4, 4 आ गया हमारे पास इसका आंसर। और डायरेक्ट हम वैसे भी लिख सकते हैं ऐसे कि हम इसको ऐड करके देखेंगे, अलग अलग करके। ठीक है, कि हमने क्या करा, अब 0 को हमने, अब देखो इसका, इसी का मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल है इसी का एक और वर्जन है, मतलब इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब आपको ये भी हेल्प करेगा, ये आगे हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो घबराना नहीं दादा। तो क्या है, अब ये देखो, अब हमने 0 को फिक्स कर दिया, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर हमने नॉन जीरो लिखा, नॉन जीरो, तो 0 लिखा तो हमने 0 को फिक्स कर दिया। फिक्स करेंगे जब भी हम, तो इसमें सर्कल बनाएंगे, तो 0 को हमने फिक्स करा, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, रिपीट नॉन रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 में से एक आएगा, यहाँ पर 0 हो चुका तो यहाँ 1 2 में से एक आएगा, तो हमारे पास 2 चॉइसेस हो गई। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, इसका इसका आंसर आया 2। ठीक है, इसका आंसर 2 आया यहाँ से। और प्लस जब हम, अब किसकी बात कर रहे हैं, अब हम चॉइस की बात कर रहे हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो लास्ट में 0 आएगा या तो लास्ट में 1 और 2 में से कुछ आएगा। ठीक है, 1 और 2 में से कुछ आएगा,
तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अब हमारे बीच में प्लस आ रहा है, चॉइस की बात हो रही है क्योंकि। तो नॉन जीरो में हमारे पास क्या आया, वन और टू में से कुछ आया, वन और टू में से कुछ आया, तो दो चॉइसेस हो गई। दो चॉइसेस होने के बाद वन और टू में से एक नंबर आ गया, मान लो वन आ गया, तो अब हमारे पास वन ही चॉइस रह गई, तो वन रह गई, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर वन लिखा। ठीक है, तो वन और टू या टू हो गया हमारे पास, और यहाँ पर से भी टू आ गया, तो आंसर फोर आ गया। ठीक है, आप इसको जीरो मत समझना, आप क्या हो गया, टू इंटू जीरो जीरो होना चाहिए, ये जीरो नंबर है, नंबर और पोजीशन के ले रहा है वो, एक एक तरीका है हमारे पास, हम इसमें क्या लिखते हैं, वेज, नंबर ऑफ वेज वन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब ये देखो, ये लिख रखा है यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, ये ऐसे लिखते हैं हम। ये यूनिट प्लेस होती है हमारी, यूनिट प्लेस मतलब वन पोजीशन वाली, टेंथ प्लेस मतलब सेकंड पोजीशन वाली, फिर हमारी हंड्रेड प्लेस मतलब थर्ड पोजीशन वाली, फिर हमारे पास थाउजेंड प्लेस मतलब थर्ड पोजीशन वाली, फिर हमारे पास थाउजेंड के बाद टेन थाउजेंड प्लेस मतलब इसके आगे वाली। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लिख सकते हैं। और ये देखो, सर्कल जब भी हम बनाए तो मतलब हमने उसको नंबर को फिक्स कर दिया, जैसे हमने ऊपर देखा था जीरो में सर्कल बना रखा था, तो हमने जीरो को फिक्स कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर खाली थ्री लिखा हुआ है, मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, उसके तरीके कितने तरीके हैं। ठीक है, टू वेजेस, थ्री वेजेस, कितने तरीके, वेज मतलब होता है तरीके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। रिपीटेशन का मैंने आपको बताया था, नॉन रिपीटेशन होगा तो डिस्टिंक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, यूजिंग द डिजिट, ये डिजिट का यूज करके 10 1 2 3 4 5 हमारे को क्या करना है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने तीन डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो अब क्या है इसमें, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, हर समय हमारे दो केस आएंगे, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन हो सकती है, रिपीट हो सकता है नंबर, और रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की चॉइस होती है कि भैया एक बार जो यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, कोई कहता है जो एक बार हो गया वो दोबारा यूज कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, तो हमने क्या है, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, हमारे पास सिक्स नंबर है, टोटल टोटल सिक्स है, तो हमने हमारे पास सिक्स वेजेस हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है मतलब हम दोबारा वो नंबर यूज कर सकते हैं, दोबारा हम यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर सिक्स आ गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, फाइव, यहाँ पर फाइव ही क्यों आया, यही हमारे पास जीरो वाली बात आ गई ना, यहाँ पर जीरो आ रहा है तो दिल क्यों घबरा रहा है, दिल इसलिए घबरा रहा है क्योंकि जीरो शुरू में आया तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो की कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम जीरो को नहीं लिखेंगे ना, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, फाइव, तो हमारे पास फाइव वेज हो गए, और इंटू सिक्स, इंटू सिक्स, इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को टोटल नंबर ऑफ वेज देखना है, टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया, और रिपीटेशन हो रही है तो अभी इसमें सिक्स सिक्स लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे पहले यूज हो चुका नंबर वो दोबारा यूज हो सकता है। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब रिपीटेशन नहीं हो सकती, रिपीटेशन नहीं हो सकती, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारा जीरो वाला केस आए तो स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब फिलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप देखो, आप स्टार्टिंग से फिल कर रहे हैं तो हमारा जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, तो हमारे पास इनमें से कोई नंबर आया होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नंबर हमारे पास हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, ये हमारे पास फाइव नंबर हो गए, फाइव नंबर हो गए, तो हमारा फाइव आ गया। अब फाइव नंबर हो गए तो अब इसमें क्या है, अब हमारा क्या जो नंबर है ये हंड्रेड प्लेस वाला, ये कौन सा है हमारा यूनिट प्लेस, ये हमारी टेंथ प्लेस, ये हमारी हंड्रेड प्लेस, तो ये हंड्रेड प्लेस वाला हमारा नंबर जो है वो नहीं आ सकता यहाँ, मगर यहाँ पर हमारा जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता है, तो हमारे कितने नंबर हो गए, हमारा जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया और फोर हो गया, मान लो फाइव यहाँ पर आया था, तो हमारे पास फाइव यहाँ पर नहीं आया, तो हमारे पास नंबर कितने हो गए यहाँ पर, फाइव, तो फाइव हमारे पास वेज हो गए। अब यहाँ पर के लिए कितने बच रहे हैं, मान लो यहाँ पर टू आ गया, मान लो यहाँ पर टू आ गया होगा, यहाँ पर टू आ गया, तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं हमारे पास वेज, जीरो वन थ्री फोर, चार वेज बच रहे हैं, तो चार आ गया, तो फाइव इंटू फोर इंटू फाइव जो हमारा आंसर आया वो हो गया। ठीक है, तो यही इसमें करना है गाइज, कोई टफ बात नहीं है, फाइव फाइव जा 25 × 4 100 आ गया हमारा आंसर, इसका आ गया था 180 गाइज, यही पूरे इसमें चैप्टर में है, आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। ठीक है, और बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। अभी देखो, हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यू विद द 10 डिजिट, 10 डिजिट का यूज करके, 0 से 9 हमारे को 10 डिजिट दे रखी है, यदि हमारे को क्या है, इफ नंबर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम विद 0
एंड इफ रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, मतलब क्या है हमारे को, क्या करना है हमारे को, 10 डिजिट का वो दे रखी है, हमारे को 10 डिजिट्स दे रखी है और हमारे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। इफ नो नंबर्स, मतलब कोई नंबर स्टार्ट ना हो हमारा 0 से, और रिपीटेशन क्या है हमारे पास, नॉट अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है मतलब हम इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, दिखाएगा अपनी झलक। तो क्या है अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 नहीं लेना, इसने बोला है 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं लिखता तो ये बेवकूफी वाली बात है, इसने लिख दिया, मगर नहीं भी लिखता तो इतना हमारा कॉमन सेंस है कि 0 हम शुरू में नहीं लेंगे, यही तो जब से समझा रहा हूँ और समझाया ही क्या है अभी तक, ठीक है। तो हमने 0 नहीं लिया तो 1 से 9 तक सारे नंबर आ गए, तो हमारे पास नंबर ऑफ बेस 9 हो गए। दूसरे बारे में हमारे ये जो हमारा 1000 प्लेस में आया था वो हमारा नंबर नहीं आया, मगर यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, तो हमारे पास कितने वेज हो गए, फिर से 9 वेज हो गए ना भाई, क्योंकि 0 भी तो ऐड हो गया, 0 यहाँ पर ऐड हो गया और वो वाला नंबर हट गया जो वहां पर आया था नंबर हमारा, जो यहाँ पर नंबर आया होगा 1 से लेकर 9 तक में, मान लो 8 आया हो तो 8 हमारा यहाँ से हट गया, तो हमारे पास नंबर कितने रह गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ठीक है, 8 हमारा इसमें से हट चुका क्योंकि यहाँ पर आ चुका, मान लो इसमें 5 आ चुका, यहाँ पर 5 आ चुका, तो यहाँ पर कितनी चॉइस रह गई, यहाँ पर रह गई इसकी 8 चॉइस, फिर मान लो यहाँ 3 आ चुका, यहाँ 3 आ गया होगा तो यहाँ पर इसकी कितनी चॉइस रह गई, इसकी 7 रह गई, तो बस यही है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, इतना सा है, मतलब बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपका काम फतेह, मतलब काम पूरा हो गया, अब बस इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर दिमाग तो लगेगा भाई, दिमाग तो लगेगा, ठीक है। यूजिंग द डिजिट, अब इन डिजिट को यूज करके 1, 2, 3, 4, 5 हमारा हो गया करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें क्या है, सच दैट ऑल द नंबर्स, ऑल द 3 डिजिट आर ऑड, मतलब जो 3 डिजिट का हमारे को नंबर बनना है वो तीनों डिजिट क्या हो, हमारी ऑड हो। तो इसमें हमारे को पता है ऑड नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, ऑड नंबर तो पता है ना भाई कौन से होते हैं, 1, 3, 5, ये हमारे कौन से हो गए, सारे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 1, 3, 5, ये चॉइसेस आ गई, इन नंबरों में से यही तो ऑड होंगे या और कुछ भी ऑड होंगे, ये हमारे पास 3 चॉइसेस हो गई, 3 चॉइसेस हो गई। अब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो मेरे भाई ये 3 नंबर जो यहाँ पर आएंगे यही नंबर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यही नंबर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 कितना, 27 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है मेरे भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो नंबर हमने पहले यूज कर लिया वो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइस, मैंने आपको बोला जब भी क्वेश्चन आए तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिलिंग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। हमारी बाय डिफॉल्ट हमारी जो वो होती है, मतलब हमारा जो माइंड में सेट होता है हमारा लास्ट से होता है, मगर हमारे को पता है कि 0 वाला आगे से प्रॉब्लम देगा, तो अधिकतर हमारे को 0 से मतलब आगे से स्टार्ट करना है, जिससे हम 0 वाली भी प्रॉब्लम आए तो कभी हमारे को दिक्कत ना आए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, मगर हम लास्ट से भी करते हैं तो आंसर सेम ही आता है क्योंकि यहाँ 0 वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ से कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास ऑड के लिए हमारे पास 3 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, अब मान लो यहाँ पर ये यहाँ 3 आ चुका होगा, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी रह गई, 1 और 5 दो नंबर रह गए, 1 और 5 दो टू वेज हो गए, अब मान लो यहाँ पर 5 आ चुका हो तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी रह गई, एक ही पॉसिबिलिटी रह गई, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 3 × 2 = 6, यहाँ 6 आंसर आ गया। अब आ जाओ 10th place मस्ट बी इवन, जो 10th place है, 10th place कौन सी होती है, मैंने आपको बताया सबसे पहले ये यूनिट प्लेस होती है, फिर ये 10th place होती है, फिर ये 100th place होती है, तो 10th place जो ये वाली है यहाँ पर, अब क्या है हमारे को कंडीशन जो हमारे को दे रखी है, सबसे पहले हमारे को उस पे गौर करना है, तो कंडीशन क्या दे रखी है हमारे को, 10th place जो है वो इवन होनी चाहिए, 10th place इवन होनी चाहिए, तो मेरा भाई इसमें से इवन कौन से है, 2, 4 और 6, ये हमारे इवन है, तो हमारे इवन नंबर होगा 2, 4, 6, तो और ये हमारी यूनिट प्लेस हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई, 10th place, तो 10th place में 2, 4, 6 में से एक नंबर आएगा, तो 3 चॉइसेस हो गई हमारे पास। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है मतलब जो नंबर हमने यहाँ यूज करा है वो हम फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर कितने हमारे पास चॉइसेस हो गई, 6 की 6 चॉइसेस हो गई, 6 नंबर थे तो 6 चॉइसेस हो गई, यहाँ पर भी हमारे पास 6 चॉइसेस हो गई, तो ये हमारा 108 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करा दो। अब ये रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है मेरे भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमारे को क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, काम एकदम सिंपल है, बस आपको क्या है थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अब क्या है इसमें रिपीट, अब यहाँ इवन नंबर चाहिए था, सेकंड केस में हमारे को क्या चाहिए था, इवन नंबर, 10th place में इवन नंबर, मतलब ये वाली 10th place है, तो यहाँ पर 2, 4, 6 में से एक नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 3 हो गई,
अब यहाँ पर तीन चॉइसेस हो गए, तो इसमें से एक नंबर तो आया होगा, यहाँ एक नंबर तो आया होगा, ये तो सॉलिड बात है, एक नंबर यहाँ पर आ गया होगा। तो टोटल हमारे कितने नंबर थे, हमारे 6 नंबर थे, 6 में से 1 गया, तो यहाँ पर कितने 5 बचे, मान लो यहाँ पर 5 आ गया हो, यहाँ पर 5, यहाँ 5 तो है नहीं यार, यहाँ मान लो 4 आ गया नंबर, 4 आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 6, तो ये कितने नंबर है टोटल, टोटल में से 4 आ जाएगा, 1 2 3 5 6, तो ये कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 हो गया। अब मान लो यहाँ पर 3 आ चुका, यहाँ पर मान लो 3 आ चुका, तो यहाँ कितने नंबर बचे, 1 2 5 6, तो ये नंबर बचे, तो ये कितने हैं, 4 नंबर है, तो 4 बेसिस हो गए, 5 × 3 × 4 = 60 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आया हो, ये समझ में आया हो तो अब ये देख लो, इन पीएनसी, पीएनसी में हमारा हर समय अटैक का करना है, कंडीशन पे अटैक करना है, जैसे कि अब यहाँ पर इवन वाला क्वेश्चन था, तो हमने इवन पे अटैक करा, इवन पोजीशन पे गए हम 10th प्लेस पे, और हमने पहले वहां पर फिलिंग करी, फिर हम स्टार्टिंग पे आ गए, और जब भी 0 हो तो हम स्टार्टिंग पे पहुंच जाना है, तो कभी भी कोई सा भी केस हो आपको, तो ये हमारे को हर समय के लिए याद करना है कि हमारे को स्टार्टिंग से फिलिंग करनी है, ठीक है। ये दो चीज हो गई, और फिर हम क्या क्या है हमारा देखते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन है, जैसे क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारे को दे रखा है, और 10th प्लेस पर इवन आना चाहिए, 10th प्लेस पर इवन आना चाहिए, मतलब 10th ये है हमारा यूनिट, ये है 100, ये है प्लेस, ठीक है। तो 10th प्लेस पे हमारा क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, तो इवन क्या है, 2 और 4 दो नंबर है, तो 2 हो गए यहाँ पर, और रिपीटेशन हमारी अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मतलब यहाँ पर दोनों में से एक नंबर तो आया होगा, मान लो यहाँ पर 4 आ गया होगा, 4 आ गया होगा, तो हमारे पास कितना रह गया, अब इसमें से कितने नंबर रह गए, 1 2 3 और 5, 4 बेस रह गए, तो 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चारों में से एक नंबर जरूर आया होगा, मान लो 1 आ गया हो, 1 आ गया हो, तो हमारे पास कितने बेस रह गए, 1 2 और वो 2 3 और 5, हमारे पास 3 बेस रह गए, तो 3 आ गया, तो 4 × 2 × 3 कितना हो गया, 4 2 8 3 24, 24 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो, समझ में आया, तो अब आगे हम और देख लेते हैं क्या दिक्कत ही क्या आ रही है, ठीक है। अब ये क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 to 1000, 100 से 1000 में 3 डिजिट के कितने नंबर्स हो सकते हैं, ये पूछ रहा है अब ये। ऑल 3 डिजिट प्राइम एंड डिस्टिंक्ट, 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो प्राइम होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब मैंने क्या बताया था, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन हमारी अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी इजिली हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे हम देख लेते हैं। सो गाइस क्या हो गया इसमें, इसमें देखो प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, जो खुद से डिविजिबल हो और हमारे किससे डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो। तो देखो अब ये क्या है हमारे पास, 2 3 5 7, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हो गए, तो ये 4 हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, तो 4 हमारे पास इसमें बेस कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये हमारे क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है इसने, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो जो यहाँ पर नंबर आ चुका हो, मान लो यहाँ पर 5 आ चुका हो, तो यहाँ पर नहीं आएगा वो, तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 7, ये 3 नंबर हो गए, तो हमारे पास 3 बेस हो गए, तो अब यहाँ पर एक नंबर आ चुका, मान लो 2 आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका था हमारे पास 5, यहाँ पर 2 आ चुका, और यहाँ पर हमारे पास कितने बेस रह गए, अब हमारे पास 3 और 7 दो नंबर रह गए, दोनों में से हम एक लगाएंगे, तो हमारे पास 2 बचा, तो 2 सिलेक्शन हो गए, मतलब इसमें से दो दो आएंगे, दो में से एक हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या हो चुका, अब हमारे पास ये हो चुका, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 इसका आंसर आ गया। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अब सेकंड केस में क्या बोला था, ऑल 3 डिजिट्स ऑड, मतलब सारी जो 3 डिजिट हैं वो हमारी ऑड होनी चाहिए, तो ऑड के लिए हमारा क्या होता है, ऑड नंबर हमारे पता है 1 3 5 7 9, ये सारे हमारे क्या है, ऑड नंबर है, ये सारे हमारे ऑड नंबर हैं, तो हमारे पास इसके लिए रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। इसमें हमने किसकी बात करी थी, रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्योंकि डिस्टिंक्ट की बात करी थी उसने, डिस्टिंक्ट जहाँ पर भी हो तो उसका हमारे पास क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है इसका मतलब। तो अब ये क्या है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसके लिए क्या हो गए, 1 3 5 7 9, ये हमारे ऑड नंबर हो गए, तो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बेस हो गए, दूसरे के लिए भी 5 हो गए, तीसरे के लिए भी 5 हो गए, तो 3 डिजिट का नंबर हमारा बन चुका, कि जो यहाँ पर नंबर आ चुका वो यहाँ पर भी आ सकता है, फिर यहाँ पर भी आ सकता है, तो ये टोटल हमारे 125 बेस हो गए। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 5 नंबर, इसमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है, हमने बताया कि हर समय स्टार्टिंग हमारे को शुरू से करनी है, बाकी हमारे को बस प्रॉब्लम 0 वाले केस में होगी, मगर फिर भी हम स्टिल हम यूज करेंगे, इसमें प्रेफर हर समय करेंगे कि हम स्टार्टिंग से हम अपनी फीलिंग स्टार्ट करें, और जो हमारे को कंडीशन दी हुई है हम उसका यूज करें, जैसे हमने 10th प्लेस में देखा था, तो हमने 10 से स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद हम आ गए थे किसमें, यूनिट प्लेस से, मतलब ये स्टार्टिंग वाले से, यूनिट प्लेस लास्ट में होती है, उससे नहीं हम फीलिंग करेंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट, ठीक है।
तो ये हमारे पास 5 हो गए। 5 में से फिर हमारा क्या हो गया, एक जो नंबर आ चुका होगा वो हम नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मान लो 7 यहाँ आ चुका, तो हमारे पास यहाँ पर कौन से नंबर आएगा, 1, 3, 5 और 9। तो इसमें से हमारे पास 4 नंबर आएगा, मान लो यहाँ पर 5 आ चुका तो यहाँ पर 1, 3, 9 रह गया, 1, 3, 9 रह गया, तो 1, 3, 9 या 3 वेज हो गए। तो 5, 4 और 3 इन सब का मल्टीप्लाई कर आंसर 60 आया, तो यहाँ 60 हो गया आंसर। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अब ये देखो, अब ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर दे रखे हैं हमारे को। इन डिजिट्स का हमारे को यूज करके हमारे को पूछा है कि 2 डिजिट का हमारे को नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल हो बाय 2 से, 2 से डिविजिबल हो। तो 2 के डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर मतलब यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर में से एक नंबर आएगा तो वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल में होता है, ठीक है, ये भी हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे एफटी में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। मगर अभी के लिए आप समझ लीजिए, जब भी डिविजिबिलिटी बाय 2 आएगा तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा जब उसके लास्ट में जो लास्ट नंबर है, बस हम लास्ट वाले नंबर पे फोकस करेंगे, यदि वो इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। यदि वो हमारा इवन नंबर है तो हमारा सुखी जीवन है। तो हमारा इवन नंबर देखो, अब देखो लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो शुरू में हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये 5 डिजिट है तो 5 में से कोई सी भी डिजिट हम शुरू में रख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी चॉइसेस हो गई। तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है, 5 लिखा। अब देखो तो इसमें 5 लिखने के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में हमारा बस इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 2 और 4 हमारे पास 2 इवन नंबर है, तो हमारे पास 2 चॉइस हो गए, 5 2 10, इसमें हमारे पास 10 हमारा आंसर आ गया। फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है मेरे भाई, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने करा देखो 2 और 4, इसमें हमारे पास 2 और 4 दो ही नंबर है, 2 नंबर है, तो हमने 2 नंबर लिखा। अब 2 में से 1 नंबर तो जरूर आएगा, एक नंबर जरूर आएगा, तो एक नंबर यहाँ आ चुका होगा, एक नंबर आ चुका होगा, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 में से हमारे कितने नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, 4 2 8 हमारे पास आंसर आ गया। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। क्लियर होगा। तो ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, डिविजिबिलिटी बाय 2 है तो लास्ट में हम फोकस करेंगे, लास्ट में फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसमें 1 से लेकर 9 तक हमारे को नंबर दे रखे हैं, इसमें इवन नंबर कौन से होगा, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास 4 इवन नंबर हो गए। रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास आगे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो 9 के 9 नंबर कुछ भी रख सकते हैं, फिर से 9 रख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। और गाइस रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है मेरे भाई, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम लास्ट में तो हम वही करेंगे, 4, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर लेंगे। मगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन सब में से एक नंबर तो यहाँ आया होगा, एक नंबर आया होगा, तो चॉइसेस हमारे पास टोटल 9 थी, 9 में से 1 तो खत्म हो गई, तो बची 8। अब 8 में से अब जो हमारे पास यहाँ पर नंबर आ चुका वही हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और ये वाला भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस 9 थी, 9 में से 2 हटा दी हमने चॉइसेस, तो कितनी बची, 7। या यहाँ से ऐसे कर लो कि 8 चॉइसेस थी, 8 में से 1 यहाँ पर यूज हो चुका, वाला नहीं कर सकते, तो 7 बची। तो 8, 7 × 4, तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब ये डिविजिबिलिटी बाय 2 है, बाय मिस्टेक नहीं, 2 ही लिखा गया, ठीक है, 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो अब ये भी ऐसी बना सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगा तो फिर मेरे समझाने का कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। ये भी आप खुद से बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं, ठीक है गाइस, सारे सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, डिविजिबिलिटी बाय 2 ही सारे वाले आप खुद करके देखिएगा। और ये भी आपको कुछ भी डाउट आता है तो 9654808198 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए, अब ये क्या है, ये हमारा नया पैटर्न है, ये है यूजिंग द डिजिट, डिजिट का यूज करके 1, 2, 3 ये जो 3 डिजिट का यूज करके हमारे को क्या पूछा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन फॉर्म सच दैट द नंबर हैज एग्जैक्टली 1, 2, मतलब कम से कम 1, 2, एग्जैक्टली 1, 2, कम से कम 1, 2 नहीं, एटलीस्ट आता कम से कम होता, तो एग्जैक्टली 1, 2 लिखा है, मतलब कि हमारे पास बस एक ही बार 2 आना चाहिए, ये 1, 2, 3 में से हमारे पास 2 रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, 2 बस हमारा एक बार ही आना चाहिए, 2 एक बार ही आना चाहिए, और हमारे पास 2 डिजिट का नंबर बोला है, तो 2 डिजिट का नंबर बोला है, तो देखो एक बार हमारा 2 हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर आ गया, हमारे पास जब भी हम फिक्स करेंगे तो हम सर्कल बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। अब दूसरी बार मान लेते हैं हम, हमारा 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास टोटल नंबर थे 1, 2, 3, अभी 2 यहाँ पर आ चुका, तो यहाँ के लिए चॉइसेस क्या बची, 1 और 3, तो यहाँ के लिए भी 2 वेजेस हो गए, यहाँ के लिए 2 वेजेस हो गए, 2 × 1 यहाँ पर आंसर आ गया 2, प्लस
यहाँ पर टू आ चुका तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टू आ चुका तो वन थ्री में से कोई सा एक आएगा तो यहाँ पर टू वेजेस हो गए, तो टू इंटू वन कितना हो गया, ये टू नहीं है मेरे भाई, ये टू वेजेस नहीं है, ये मतलब यहाँ पर टू नंबर है, ये नंबर फिक्स कर रहा है, तो यहाँ पर वेज वन हो गया, तो टू इंटू वन कितना टू, तो आंसर कितना आ गया इसका फोर। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा, या फोर आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये 1 2 3 4 5 ये पांच नंबर दे रखे हैं हमारे को, और यूजिंग 5 डिजिट, ये 5 डिजिट का यूज करके हमारे की 2 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, जो एग्जैक्टली जिसमें एक बार फाइव हो। ठीक है, एक फाइव हो, एक फाइव हो, तो देखो हमने फाइव एक बार यहाँ पर हो सकता है, एक बार फाइव यहाँ हो सकता है, ठीक है, दोनों प्लेसेस में हम फाइव रख नहीं सकते, तो दो कंडीशन हमारी बन रही है, और हमारे या तो ये या तो ये, तो हमने बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, फाइव यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, एक ही जगह आएगा, दोनों जगह तो आ नहीं सकता, दोनों जगह आता तो मल्टीप्लाई हो जाता, मगर यहाँ पर एक ही आ सकता है, तो हमारा क्या है, यहाँ पर फाइव आया तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटी कितने रह गए, चार, चार रह गए, तो फोर इंटू वन यहाँ पर फोर आ गया, ये वन है, ये एक वे है, एक तरीका है, ना कि क्या ये फाइव वेज है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर फाइव फिक्स हो चुका, यहाँ पर फाइव फिक्स हो चुका, तो यहाँ पर चार बचा, तो ये टोटल आंसर आ गया हमारे पास एट। अब ये देखो ये दे रखा है, और हमारे को क्या बोला है, 3 डिजिट का नंबर, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस 3 डिजिट नंबर बोल दिया, तो थ्री बना दिया हमने, थ्री बना दिया, तो देखो एक बार फाइव यहाँ आ सकता है, एक बार फाइव यहाँ आ सकता है, एक बार फाइव यहाँ आ सकता है, फाइव यहाँ आ सकता है, तो हमारे बाकी के नंबर क्या हो सकते हैं, बाकी के चार नंबर कोई से भी, यहाँ पर भी चार आ सकते हैं, यहाँ पर भी चार आ सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जब आंसर देखोगे तो आप 48 हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो अब ये देखो, अब ये वन से लेकर नाइन तक हमारे पास नंबर दे रखे हैं, और एग्जैक्टली 1 5, और एग्जैक्टली 1 5 आना चाहिए, तो हमारा क्या करना है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन से हमारे को क्लियर हुआ कि हर जगह 16 16 16 आ रहा है, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो, काम खत्म। ठीक है, तो अब ये ऐसे एक का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा था, 16 1 का आ रहा था, 16 3 48, 48 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारे को 9 तक दे रखा है, तो हम बारी बारी 9 तक करेंगे कि 5 आना चाहिए, यहाँ पर 5 हमने कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया, तो इसके लिए 8 पॉसिबिलिटी बची, इसके लिए भी 8 बची, तो 8 × 8 हमारा 64 आ गया, 64 हमने 3 के लिए करा, तो हमारा कितना बन, 92 सीधा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि हम जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम बारी बारी करके देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास नंबर, और हमारे बोला है 3 डिजिट नंबर्स विद एग्जैक्टली 1 5, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और हमारे पास एग्जैक्टली एक फाइव आना चाहिए। ठीक है, इसमें जीरो भी आ गया, तो जीरो वाला केस में हमारे क्या कर लेना है, अपने दोनों कान खड़े कर लेने हैं कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट मैटर है, इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को क्या करना है भाई, क्या करना है, देखो एग्जैक्टली 1 5 आना चाहिए, तो एक फाइव यहाँ, एक फाइव, अब ये देखो जीरो वाला केस आ गया, तो इसमें हमारा वो नहीं हो जाएगा जैसे हमने अभी करा था कि हमने एक के लिए निकाल लिया और तीस और सबके लिए मल्टीप्लाई कर दिया, कि जितने 3 डिजिट का नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो हमारे को इसमें गौर करना है, जब भी जीरो आया तो भैया समझ जाना कि एग्जामिनर घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जीरो वाला ही आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी चीज जो सबसे होती है वो पेपर में नहीं पूछी जाती। ठीक है, पूछी जाती है तो वो बनी जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ जीरो भी है, तो देखो अब सबसे पहले तो हमने यहाँ फिक्स कर दिया फाइव, यहाँ पर फिक्स कर दिया फाइव, यहाँ पर फिक्स कर दिया फाइव, और यहाँ पर फाइव फिक्स कर दिया, तो देखो यहाँ आपके वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमने फाइव फिक्स करा, तो यहाँ पर फाइव फिक्स कर दिया, तो जीरो वाली तो कहानी खत्म हो गई, तो यहाँ पर भी पांच पॉसिबिलिटी बच रही है, यहाँ पर भी पांच, तो ये 5 5 25, यहाँ 25 आ रहा है, और यहाँ देखोगे आप यहाँ पर फाइव फिक्स करा तो यहाँ से एक नंबर हट चुका, तो एक हट चुका, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारा जीरो भी हट जाएगा, यहाँ से जीरो भी हट जाएगा, तो यहाँ के लिए 4 पॉसिबिलिटी बची, ऐसे यहाँ पर के लिए भी 4 बची, तो यहाँ पर 20 20 और 25 65 टोटल आंसर आएगा। ठीक है, तो जीरो जब भी आए तो आप अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, अब ये देखो 1 से 5 तक, और एग्जैक्टली 2 टाइम 2 हमारे 5 आने चाहिए, 2 5 लिखा है भाई, 5, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बना रहा है, तो अब ये देखो 2 5 बनाने हैं, तो 2 5 हमारे ऐसे आ सकते हैं, और 2 5 हमारे ऐसे आ सकते हैं, और एक शुरू में और एक लास्ट में आ सकता है। ठीक है, एक 5 आ चुका, तो 5 हम दोबारा नहीं ले सकते, तो यहाँ पर 4 लेंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 4 रह जाएंगे, तो 4 × 1 ये 1 1 हो जाएगा, 1 1, 4 × 1, 4 × 1, 4 × 1, और ये सब में एडिशन आ जाएगा बीच में, तो ये हमारा कितना हो गया, 12 आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो। अब देखो ये वाला है, ये आप खुद बना सकते हैं, नहीं खुद नहीं बना सकते, एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 5, एटलीस्ट 1 5 की बात बोल रहा है, तो हमारा देखो एटलीस्ट 1 5 में हमारे पास एक बार 5 यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर पे ही एटलीस्ट 1 5 बोल रहा है, तो एक बार यहाँ पर आ सकता है, फिर हमारा यहाँ पर आ सकता है 5, और फिर हमारा एक 5 यहाँ पर आ सकता है, ये खाली। ठीक है, और फिर हमारा 2 5 वाला जो केस था वाला भी हो सकता है हमारा, ठीक
ठीक है, फिर हमारा कि तीन वाला फाइव वाला भी हो सकता है कि तीनों में फाइव आ गया, ये वाला केस भी हो सकता है। तो इन तीनों केस में से तीनों केस हो सकते हैं, एटलीस्ट वन फाइव बोला है मतलब कम से कम एक फाइव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे ये सारे केस हो सकते हैं। तो इस वाला केस में जब भी आए तो हमारे पास क्या करना है, टोटल में से जो भी हमारे पास नीडेड नहीं है उसको माइनस कर देना है। टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, ये फाइव है, तो हमने फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव करा तो हमारा क्या आ गया, 125। 125 में ये हमारा जीरो से वन फाइव लिखा हुआ है, मगर हमने इस क्वेश्चन में यूज करा है वन से फाइव, ठीक है, वन से फाइव यूज करा है। तो हमने क्या है, वन से फाइव ये फाइव नंबर हो गए, तो 125 आया टोटल केसेस। टोटल केसेस में से नॉट नीडेड, नीडेड कौन सा नहीं है हमारे को, फाइव वाला। तो हमारे को क्या रह गए, हमारे पास जीरो से फोर तक रह गए नंबर, जीरो से फोर तक रह गए, तो इसमें वन से फोर तक हो गए मेरे भाई, वन से फोर तक, वन से फोर तक। तो ये हमारे पास फोर हो गए, फोर फोर ये 64 आ गया। तो ये घटाओगे तो आप 61 हमारा आंसर आ गया। तो इसका एटलीस्ट वन का 61 आंसर आएगा। वैसे हम देखेंगे तो पहले वाला हमारा जो हमने वन वन देखी थी फाइव वाले की, फिर दूसरा फाइव में फिक्स करा था यहाँ पर वन, तो ये इसका 48 आ रहा था। दूसरे वाले में टू टाइम्स फाइव वाले में हमारा 12 आ रहा था आंसर, और एक बार फाइव लेंगे तो सब में फाइव आ जाएगा तो हमारा आंसर वन आएगा। तो ये हमारा टोटल 61 ऐसे आएगा, मगर पेपर में करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, टोटल में से नॉट नीडेड हटा देंगे। अब देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वन से लेकर नाइन तक नंबर है और थ्री डिजिट नंबर है हमारे पास, एग्जैक्टली वन सेवन आना चाहिए कम से कम, एग्जैक्टली वन मतलब कि एक ही सेवन आना चाहिए हमारा। तो हमारा क्या है, अब देखो थ्री डिजिट का नंबर है तो हमने तीन लाइन बना दी, तीन लाइन बनाने के बाद हमने क्या करा कि सेवन को फिक्स करा दिया एक बार, यहाँ सेवन को यहाँ फिक्स करवाया। अब देखो इसमें जीरो नहीं है, जीरो होता तो हमारी कहानी बदल जाती, तो हम ये इंटू थ्री से नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें एक केस बनाएंगे और इंटू थ्री से कर देंगे क्योंकि थ्री डिजिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा सेवन आ गया, तो टोटल नंबर हमारे नाइन थे, उसमें से एक घटा दो तो अब हमारे पास एट रह गया, इसमें भी एट रह गया, तो एट एट जा 64 इंटू थ्री 192। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, यहाँ पर बस वहाँ पर फाइव था और यहाँ सेवन है, ठीक है। अब ये क्या है, टोटल माइनस नॉट नीडेड, जब हमारे एटलीस्ट वन सेवन की बात कर रहा है, तो टोटल में से हमारा वो क्या घटा देना है, नॉट नीडेड घटा देना है। टोटल हमारे कितना आ रहा है, नाइन यहाँ पर ले सकते हैं, नाइन ले सकते हैं, नाइन ले सकते हैं, तो टोटल हमारा 729 हो गया, माइनस हमारे पास नॉट नीडेड, नीडेड कितने की नहीं है हमारे पास, हमारे को सेवन की जरूरत है, बाकी हमारे को आठ जो है वो हमारे नॉन यूज है, हमारे को उसकी जरूरत नहीं है। तो एट एट एट, तो 520 वो 512 हो गया, तो इसमें से ये माइनस करा तो हमारे पास 217 रह गया, ठीक है। हमारे को बस सेवन की जरूरत है और किसी की हमारे को जरूरत नहीं है, तो हमारे को ये हमारा एट इंटू एट इंटू एट आ गया, तो हमारा 217 जो है हमारे एटलीस्ट वन वाले के साथ। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो गाइज ये आप खुद बना के देखना, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। और आप देखो अब ये क्या है, दी जहाँ पर भी आए तो वो हमारी गुड गॉड की बात हो रही होती है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, वर्बल में आपके आ सकता है, ये आप इसे ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। 012, अब 012 ये हमारे डिजिट दे रखे हैं और हमारे को क्या बोला है, जीरो इज लेस देन एन इज लेस देन 100, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये एन क्या है, नंबर है हमारे पास, नंबर्स दैट मस्ट अवॉइड द रेंज, मतलब जो इस रेंज को अवॉइड कर रहा है। तो अब ये वन से जीरो से लेकर 100 तक है, तो जीरो हमारा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 100 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारे को इस केसेस में याद रखना है कि हमारा क्या है कि जो हमारा ये थ्री आ रहा है, ये एक दो तीन, तीन डिजिट आ रही है हमारे, तो मगर ये हमारा स्मॉलर देन थ्री डिजिट होगा, तीन डिजिट से छोटा होगा, तो तीन डिजिट से छोटा तो हमारा दो डिजिट होगा, ये दो डिजिट होंगे तीन से छोटे, ठीक है। तो इसमें चॉइसेस कितनी है हमारे पास, थ्री की, तो थ्री चॉइसेस इंटू थ्री चॉइसेस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नाइन आ गया, मगर हम जीरो नहीं ले सकते, शुरू में जीरो नहीं ले सकते, वो हमने घटाया तो हमारा आंसर एट आ गया, इसका आंसर एट आ गया, आंसर एट आ गया डायरेक्ट, ठीक है। 012 हमारे पास दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो हमारा क्या करना है, 1000 दे रखा है, तो ये हमारे पास वन टू थ्री फोर, फोर हो गया। अब फोर में से हमारे को कम लेना है, मतलब स्मॉलर देन फोर, तो थ्री डिजिट का नंबर बना, थ्री डिजिट का बना, तो यहाँ पर हमारा तीन चॉइसेज है, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री हमारा क्या इतना आया, 27, मगर हमारे यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, तो एक जीरो को हटा दो, तो हमने एक को हटा दिया, तो 26 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6, और बिलियन का मतलब होता है 10 to the power 9। तो एक ये क्वेश्चन आ रखा है एमबीए के एग्जाम में, कौन सा हमारा, ये वाला क्वेश्चन, ये 10,000 का आप कर लोगे, इजी है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ये थ्री जो है इसके लिए, थ्री इसके लिए, और हमारे पास नॉट नीडेड, जीरो जीरो वाली हमारी नीडेड नहीं है, तो वो कटा दिया एक, तो हमारे पास क्या बजा, 80 चॉइस बजी, ठीक है, 80 वेज आ गए इसके। अब ये देखो मिलियन वाला, मिलियन का दे रखा है क्वेश्चन, मिलियन 10 to the power 6 हो गया, ये हमारे को खुद से लिखना था, मिलियन दे रखा है बस उसने, ऐसे बिलियन का भी क्वेश्चन आपके आ सकता है, गेट एग्जाम में आ सकता है,
कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 078। 078 का यूज करके हमारे को क्या करना है ये देखना है। तो हमारे पास 078 तीन नंबर होगा, तीन नंबर होगा तो 3 3 3 3 3, और ये 6 दे रखा है, 10 to the power 6। तो हमारे पास अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना लो कि जितने हमारे को पावर, जितने जीरो आ रहे हैं हमारे पास, देखो 4 0 आ रहे हैं तो हमारे को 4 डिजिट का नंबर बनेगा, 1 2 3 4, और इसमें 3 डिजिट आ रहे थे, 3 0 आ रहे थे तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, 1 2 3। उसमें 2 डिजिट आ रहे थे तो 2 डिजिट का नंबर बना था, 1 2। तो अब यहाँ पर 6 0 आ रहे हैं, मिलियन में 6 0 आ रहे हैं तो हमारा 6 डिजिट का नंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 3 इसके लिए भी हो गए, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, तो टोटल हमारे आए 729, मगर एक हम जीरो वाला केस हटा देंगे तो हमारे पास 728 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 हमारे पास, ये हमारे पास डिजिट दे रखी है और उसमें 2 डिजिट नंबर हमारे को बनाना है जिसमें 10th प्लेस वो ग्रेटर होगी यूनिट प्लेस से। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस से ज़्यादा होगी हमारे पास 10th प्लेस। तो हाँ 10th प्लेस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 10th प्लेस में जैसे हमने यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया, 1 लिख लिया हमने, तो यहाँ 2 3 में से एक नंबर आएगा। ठीक है, ये वाले करेक्ट हो गई पोजिशन। यहाँ पर हमने 2 ले लिया तो यहाँ पर एक 3 आ सकता है, बस एक ही हमारे पास सिचुएशन है, तो हमारे पास 1 वे हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 into 1 + 1 into 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। अब ये देखो, अभी 1 2 3 4 5, ये हमारे को 5 दे रखा है, 10th प्लेस हमारी ग्रेटर होनी चाहिए यूनिट प्लेस से। तो अब हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो 1 लिख दिया तो यहाँ पर बाकी के नंबर आ सकते हैं कोई भी, क्योंकि 1 तो हमें स्मॉलर होगा, ये 10th प्लेस में ग्रेटर नंबर ही आएगा, 2 3 4 5 में से जो भी आएगा, यहाँ 4 बेसिस हो गए। ऐसे यहाँ पर 2 लिखा तो 2 में से ये तीनों में से जो भी नंबर आएगा वो हमारा बड़ा होगा, ये 3 नंबर हमारे पास रहेगा, 3 नंबर 3 4 5 में से कोई आएगा तो 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 हमने फिक्स कर दिया तो 3 में से 4 5 हमारे पास बड़ा नंबर हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर 4 फिक्स कर दिया तो हमारे पास कौन सा हो गया, हमारे पास एक ही नंबर हो गया है 5, जो भी हमारे पास बड़ा आएगा। ये 1/5 नहीं है, ये 5 बता रखा है कि एक हमारे पास 5 नंबर रह गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 + 3 + 2 + 1 आ रहा है हमारे पास आंसर, 10 आ रहा है हमारे पास आंसर। तो इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, n(n+1)/2। ठीक है, इसका हम ऐसे आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकाल रखा है, बारी बारी निकालने से अच्छा डायरेक्ट निकालो, 10th प्लेस ग्रेटर देन यूनिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या करा, एन हमारा 8 आ गया, 8 आ गया, जैसे हमने पहले वाला 8 निकाला, पहले वाले का हमने निकाला कि कैसे आ रहा है, तो इसका 8 आया, 8 आने के बाद हमने 8 into 8 + 1/2 करा तो हमारा 36 डायरेक्ट आंसर आ गया। वैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे को पता है 8 7 6, ये एक एक करके कम होते जा रहा है, तो सम ऑफ नंबर का हमारा फॉर्मूला होता है n(n+1)/2, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया गाइस। तो अब ये क्या है, अब हमारे पास ये दे रखा है 1 2 3 4, ये नंबर दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या है इसमें, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो गाइस ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला भी करोगे आप, ये खुद आपसे बन जाएंगे गाइस, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अब कुछ है नहीं इसमें। और इसमें इतना ही था, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, तो मिलते हैं आगे फिर कोई अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।